और इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि इस वक्त देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्प अर्पित करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आज कृतज्ञ राष्ट्र इन दोनों महापुरुषों को नमन कर रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि सत्य के साधक, दूसरी तरफ पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जो कि सादगी की मिसाल। और आज अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, आज देश नमन कर रहा है इन दोनों शख्सियतों को जिन्होंने देश को बुलंदियों तक पहुंचाया, जिन्होंने एक नींव रखी है। और आज देखिए किस तरीके से देश एक बार फिर से इनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो भी बकायदा साझा किया गया है जिसके जरिए उन्होंने नमन किया। अब आपको उस वीडियो का एक अंश दिखा देते हैं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है, और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का संकल्प लें। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो पोस्ट किया गया था वीडियो आप उसे देख रहे थे।